हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोफेसर ऑफ एवरीथिंग चैनल पे। मैं हूं आपका अपना प्यारा प्रोफेसर भैया, और आज हम लोग रिव्यू करेंगे गजेबो ढाबा। ये जो ढाबा है ये तलोजा में आता है। तलोजा नवी मुंबई का एक इलाका है जो कि खारघर के बहुत ही नजदीक है। यह है इनका वेटिंग एरिया। अब हमने ले लिया अंदर एंट्री और यहाँ पर इनका लगा है मेन्यू कार्ड। दोस्तों रिसेप्शन तो बहुत ही जबरदस्त है एंड एंट्रेंस पे काफी अच्छा लगता है आपको अंदर आते में। ये हम अंदर जा रहे हैं सीट यानी कि कुर्सी की तलाश में। ये ढाबा काफी बड़ी जगह में बना हुआ है, काफी खूबसूरत है। हालांकि इसे ढाबा शायद कम कहेंगे, रेस्टोरेंट ज्यादा कहेंगे। इनकी जो सजावट है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, काफी ज्यादा डेकोरेट किया गया है, इंटीरियर काफी ज्यादा जबरदस्त है। बड़ी फैमिली के लिए अगर आपको थोड़ी प्राइवेसी चाहिए तो प्राइवेसी के लिए ये इलाका काफी ज्यादा अच्छा है। देखिए अंदर की तरफ एंड मतलब ये देखिए ना कितना अच्छा नकाशी की हुई है। काफी सारे गोल्डन मतलब यानी कि इसमें एक आपको देखने मिलेगा गोल्डन से किया हुआ इंटीरियर। अब चलिए इनका बुफे देख लेते हैं। तो बुफे में है काफी सारी डिशेज एंड इनका यहाँ पर जो है ऑफर चल रहा है 600 प्लस टैक्सेस में पर पर्सन आप अनलिमिटेड खा सकते हैं। यहाँ पे टाइमिंग है दोपहर के 12 से लेके शाम के 5 बजे तक। ये देखिए काफी सारी डिशेज है यहाँ पे। एक्चुअली मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मैं थोड़ा ज्यादा स्पीड में दिखा रहा हूँ आपको, बट यहाँ पे सारी डिशेज के नाम आपके सामने आ रहे हैं। एंड मैं आपको अगर शॉर्ट में कहूँ तो कुछ ऐसा है कि जो 600 पर पर्सन वाला जो इनका मेन्यू है, वैसे 30 रुपीज का टैक्स अलग से लगेगा CGST SGST एंड ऑल, बट एनी वे 630 पर पर्सन में आप ऐसा कह सकते हैं कि काफी ज्यादा चीजें ये ऑफर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 स्टार्टर्स, देन 2 मॉकटेल्स हैं, एक सूप है, एक स्टीम्ड राइस है, एक दम बिरयानी है, एक नान है, एक तंदूरी रोटी है और एक गाजर का हलवा या मूंग दाल का हलवा कोई भी एक चीज होती है, एंड ऑफ कोर्स 2 ग्रेवी हैं। इनका गाजर का हलवा खत्म हो गया था तो इन्होंने मूंग दाल का हलवा फिर से बना के ले आए, तो मैंने वो भी टेस्ट कर लिया। दोनों ही अच्छे हैं बट गाजर का हलवा ज्यादा अच्छा था। वैसे दोस्तों अनलिमिटेड खाने के लिए हम लोग जाते तो हैं बट थोड़ा थोड़ा टेस्ट भी कर लें तो पेट पूरी तरीके से भर जाता है। तो बेसिकली अगर आप बहुत ज्यादा ही फूडी हैं और आप अगर आपकी खुराक भी काफी बड़ी है तो ही आपका यहाँ पे जाना ज्यादा सफल होगा, तभी आप जरा दिल भर के खा सकेंगे। अब मेरा क्या है, मैं तो थोड़ा डाइटिंग पे हूँ तो बेसिकली ज्यादा कुछ खा नहीं पाया, मैंने हर चीज थोड़ी सी टेस्ट कर ली, बट सच बताऊं तो हर चीज मुझे काफी अच्छी लगी। वैसे मैं टेस्ट ये तो नहीं कहूंगा कि आउट ऑफ द वर्ल्ड है बट अच्छा टेस्ट है, एवरेज से तो थोड़ा बेटर है। ठीक है, मेरा इनके लिए खास सजेशन ये रहेगा कि इनको मतलब यानी कि जो स्टार्टर्स हैं उनकी वैरायटी बढ़ाना चाहिए। बिकॉज अगर आप ध्यान दें तो जैसे बारबेक्यू नेशन है 900 के अंदर वो लोग कम से कम 40 से 45 डिशेज मतलब रखते हैं, जिसमें कम से कम 8 से 10 तरीके के स्टार्टर्स होते हैं, 8 से 10 नॉन वेज वाले, 8 से 10 वेज वाले। उसके अलावा डिजर्ट्स कम से कम 15-20 तरीके के होते हैं, मेन कोर्स भी काफी ज्यादा अलग अलग टाइप का होता है, तो इनको थोड़ी वैरायटी बढ़ानी चाहिए। तलोजा जो है मतलब यानी कि आप समझ सकते हैं ग्रेटर बॉम्बे का बिल्कुल आखिरी इलाका है, यानी कि यहां तक अगर कोई पहुंच के आपके पास आ रहा है मतलब इतना दूर ट्रैवल करके तो वो सेटिस्फाइड होकर जाना चाहिए। तो आपको वैरायटी बढ़ानी चाहिए एंड मुझे लगता है कि इनको एक प्रॉन्स भी रखना चाहिए, एक सी कबाब भी रखना चाहिए, तब जाके मतलब जो है मेन्यू पूरी तरीके से अच्छा जस्टिफाइड होगा। बट जो भी है 630 रुपीज में सौदा बुरा नहीं है। मैं जरूर कहूंगा कि आप एक बार इसे ट्राई करें। एम्बियंस काफी अच्छा है, हमने तो मतलब यानी कि खाया कम बट यहाँ पे बैठ के टाइम पास ज्यादा किया एंड वक्त काफी अच्छे से क्वालिटी टाइम बिताया। तो सभी को सजेस्ट करूंगा कि कम से कम एक बार जाके जरूर ट्राई करें। इसे मैं देता हूँ ओवरऑल रेटिंग 10 में से 7। सो इट्स अ नाइस ढाबा, एवरीबडी कैन ट्राई इट। सो दिस इज प्रोफेसर भैया साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, टेक केयर। To learn physics in best way, join Professor of Science.